हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो मिडिल ईस्ट में सिचुएशन कंटिन्यूअसली वोलेटाइल बनी हुई है, एंड हियर इजराइल इज फेसिंग द थ्रेट ऑफ अ सिक्स फ्रंट वॉरफेयर। चार फ्रंट ऑलरेडी है, हमास, हिजबुल्ला, हूथी, ईरान। लेकिन अभी कहा जा रहा है सीरिया से कंटिन्यूअसली लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता है टू हिजबुल्ला, इवन टू हमास एज वेल। वो मेडिटेरेनियन से पूरा रूट लेकर इराक के भी प्रॉक्सीज हैं जो जल्दी एक्टिव हो जाएंगे या हो चुके हैं। अब यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज है जो इसराइल को बचा के रखे, वो है इनकी खुद की कैपेसिटी इन हाईटेक इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इनकी हाईटेक इंडस्ट्री इसराइली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। 10% एम्प्लॉयज में, 25% टैक्सेशन में, 40% इनकी टॉप की कंपनीज में, लेकिन साथ साथ 1/5 ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन इसी हाईटेक इंडस्ट्री का आता है इनकी जीडीपी में। 2022 तक ये 18% के आसपास था, कॉन्स्टेंटली 2013 से राइज करा था, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि ये 20% के आसपास हो चुका है, क्योंकि इनकी हाईटेक इंडस्ट्री इनको वॉर के एफर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। इसी को आप कंपेयर करो यूएस से, जिसके हाईटेक इंडस्ट्री एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी 10% से ज़्यादा रेयरली कभी बढ़ पाती है, राइट? बिकॉज इसराइल इज कॉल्ड एज अ स्टार्टअप नेशन। इनके पास सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं पर कैपिटा के नंबर्स में अगर आप देखो। इसी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट, अगर आप अन अकेडमी के पटना सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एज वेल एज बीपीएससी, देन डू विजिट वंस। आपको पूरा यहाँ पर काउंसलिंग मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो सीरियसली, तो आप करोल बाग सेंटर पर विजिट कर सकते हो फॉर इंग्लिश मीडियम, मुखर्जी नगर में विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी मीडियम, एंड प्रयागराज में विजिट कर सकते हो फॉर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम, अगर दिल्ली नहीं आ सकते तो। और अगर आप सेंटर विजिट नहीं कर सकते तो मैं आपको फीचर्स बता देती हूँ एनीवेज। फाउंडेशन के अलावा दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव, इसमें सी सैट, एसे, करंट अफेयर्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, आपको सब कुछ मिल जाएगा इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। तो आपको जितने भी स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करना है फॉर फर्दर इंक्वायरी। इसी के साथ साथ अनअकैडमी ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो फॉर फर्दर इंक्वायरी हेयर, जिसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। सो ऐसा सब इसलिए हो रहा है बिकॉज इसराइल इज द टॉप स्पेंडर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अराउंड द वर्ल्ड, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनकी हाईटेक इंडस्ट्री में जाता है। हाईटेक इंडस्ट्री का सिंपल मतलब है सॉफ्टवेयर हुआ, एआई हुआ, जितने भी टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट फ्रंटियर्स हुआ, साइबर स्पेस हुआ, ये सारी चीज़ें। और इसराइल यहाँ पर इसलिए ग्लोबल फंडिंग भी उठाता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में उठाता है। यूएस यहाँ पर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर होता है। 2023 में ये थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन 2024 में एक्सपेक्टेड है कि इनका जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इनटू ग्लोबल कंपनीज, हाईटेक कंपनीज, अभी तक 5 बिलियन से डॉलर से ज़्यादा तो हो चुका है, और एक्सपेक्टेड है कि $10 बिलियन को क्रॉस करेगा। मतलब वॉर चल रहा है, लेकिन वॉर के टाइम पर भी ग्लोबल फंडिंग यहाँ पर आ रही है इनटू इजरायली कंपनीज, और काफ़ी सारी ये फंडिंग साइबर स्पेस में आ रही है, साइबर सिक्योरिटी में आ रही है, क्योंकि लोगों को पता है इसराइल जब रिस्पॉन्ड करता है तो साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करके करता है। दैट्स वाई इनकी कंपनीज को ऐसी साइबर रिसर्च की और लेटेस्ट टूल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ईरान ने 180 सुपर बलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर की थी टूवर्ड्स इसराइल, ज़्यादातर इंटरसेप्ट कर ली थी इसराइल ने, लेकिन इसराइल ने रिस्पॉन्स कन्वेंशनल अभी तक नहीं दिया है। बिकॉज कन्वेंशनल रिस्पॉन्स में थ्रेट होता है कि इसराइल का भी खुद का नुकसान होगा। जो फाइटर जेट्स जाएंगे उनको ज़मीन चाहिए होगी लैंड करने के लिए, रिफ्यूलिंग के लिए, या मिड एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ेगी। सो इसराइल ने यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी एफर्ट से, साइबर अटैक से रिस्पॉन्स करने की कोशिश की है। जैसे कल ही ये न्यूज़ आ रही थी कि इसराइल ने साइबर अटैक करने की कोशिश की ईरान पर, और काफ़ी सारे ईरान के जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस हैं इनसे अटैच्ड कंप्यूटर्स काम करना बंद कर चुके हैं। सो ये साइबर स्पेस एक्सपेक्टेड था वॉर के टाइम पर और राइज होगा। साथ ही साथ इसराइल ने एक्सपोर्ट्स करना बंद नहीं किया। 2023 में ही आप देख रहे हो इसराइल इज़ वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर्स। अब आप बोलोगे नहीं मैडम, यूएस, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, ये सब आगे हैं, रशिया आगे हैं, लेकिन ये सब बड़ी इकोनॉमीज हैं, इनके पास लार्ज लैंड मास है, इसराइल के पास उतना नहीं है। और इसराइल को एज अ कॉम्पिटिटर भी देखते हैं काफ़ी सारे, जैसे यूएस की इंडस्ट्री एज अ कॉम्पिटिटर देखती है, वेस्टर्न यूरोप की इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर की तरह भी देखा करती है इनको। सो दैट्स वाई इसराइली वेपन्स जनरली इंडिया वगैरह बाय करते हैं। आपको पता ही होगा हमने इसराइल से फलकॉन, जो अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है, उसको ऑर्डर किया। इसराइल के रेडार्स को हमने खुद मॉडिफाई किया अपने एंटी बलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसराइली कंपनीज हैं जो यहाँ पे ड्रोन्स और रोबोट्स के थ्रू इंस्पेक्ट करती हैं। सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, ड्रोन्स रोबोट्स में ऐसे सॉफ्टवेयर लगा दो, ऊपर हवा से देखो कहाँ हमास और हिजबुल्ला के पूरे टारगेट्स हैं, और फिर वहाँ पर स्ट्राइक करो। सो ये सारी स्ट्राइक्स एडवांस सॉफ्टवेयर की हेल्प से की जाती है। इसी के साथ साथ दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी। आपको आगे मैं यहाँ पर ये बताऊंगी कि क्या इसका कॉज है,
कैसे इसराइल ने इस पूरे फीट को अचीव किया है कि इनकी हाईटेक इंडस्ट्री आज इनको सिक्स फ्रंट वॉर के टाइम पीरियड पर भी सेव कर रही है, बचा रही है। लेकिन उसके पहले ये QR कोड है, इसको स्कैन कर सकते हो फॉर कनेक्टिंग टू टेलीग्राम ग्रुप रिगार्डिंग गाइडेंस। और अगर QR स्कैन नहीं हो रहा तो ये टेक्स्ट आप टाइप कर लो टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ पर जुड़ जाओगे। सो प्राइमरली वॉट कैन भारत लर्न फ्रॉम हेयर इज द इसराइली कल्चर। स्टार्टिंग से इसराइलीज को आदत है, ज्यूश लोगों को, दैट दे टर्न देयर कर्सेज इन टू देयर ब्लेसिंग्स। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कभी थे नहीं। इनके पास शुरुआत से जब इसराइल बना तो इनको पता था ऑयल वाली कंट्रीज आसपास बैठी हैं, अरब कंट्रीज, जो इसराइल को खा जाना चाहती थी, बिकॉज इसराइल पलस्तीनियन लैंड्स पर सेटल हुआ था, बना ही इसराइल पलस्तीनियन लैंड्स पर था। तो अरब कंट्रीज इनको टॉलरेट कर नहीं रही थी, और अरब कंट्रीज के पास ऑयल था, ये रिच कंट्रीज थी, सिक्योरिटी में स्पेंड कर सकती थी। तब से ही इसराइल ने डिसाइड किया कि हमारे पास रिसोर्सेज ना होते हुए हम जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारा स्किल्स का बेस है, उसको डेवलप करेंगे। और एक मेंटालिटी है जो कि रिस्क एक्सेप्टिंग है, जो कि रिस्क को लेती है। जैसे भारत में अगर आप एक एवरेज सिटीजन देखो, आज भी स्टार्टअप की तरफ कम ही लोग हैं जो ग्रेविटेट करें, मेजॉरिटी पीपल आर जॉब सीकर्स। लेकिन इसराइलीज रिस्क लेते हैं, और इनको ये रिस्क लेना शुरुआत से चाइल्डहुड से सिखाया जाता है। इनके यहाँ पर कल्चर है मिलिट्री सर्विस एक्सीलेंस का। जैसे आपको पता ही होगा इसराइल में कंस्क्रिप्शन है, कंपल्सरीली आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए मिलिट्री में अपनी सर्विसेज देनी पड़ती हैं। और स्टार्टिंग से इनका जो स्कूल का कल्चर है उसमें भी मिलिट्री सर्विस एक्सीलेंस के बारे में काफ़ी पढ़ाया जाता है, एंड पीपल आर थॉट टू बी रिस्क एक्सेप्टिंग, टू जस्ट यू नो अप्लाई रिस्क है। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी रेकलेस तरीके से रिस्क करो या फिर कहीं पर भी कुछ भी कर दो, बट प्राइमरली कैलकुलेटेड रिस्क विथ अ डाइवर्स अप्रोच यहाँ पर सिखाया जाता है, शुरुआत से सिखाया जाता है। इनफैक्ट एक पुरानी ज्यूइश प्रोफेसी है इनके कल्चर में, ये चीज़ दैट द एज ऑफ प्रोफेसी एंडेड विद द प्रोफेट्स, मतलब ये प्रोफेसीज में बिलीव नहीं करते। अगर आप इनको कहोगे नेगेटिव डेजर्ट पार करना इम्पॉसिबल है, या फिर इनको कहोगे कि ये चीज़ डेवलप करना इम्पॉसिबल है, दे विल से दैट द एज ऑफ प्रोफेसी हैज एंडेड विद द प्रोफेट्स, मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये लोग रिस्क लेते हैं और फिर कंटिन्यूसली फेल होते रहते हैं, और फिर कभी ना कभी इनको हाई रिजल्ट्स भी मिलते हैं इनकी इतनी सारी रिस्क के। और इनके जो ग्रेजुएट्स हैं इनको कंपल्सरीली मिलिट्री में ड्राफ्ट किया जाता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में, जैसे यूनिट 8200 में ये यहाँ पर सर्व करते हैं। इनफैक्ट यूनिट 8200 कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में जाकर क्राउड को उठाती भी है काफ़ी, और उनकी हेल्प भी लेती है। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद इनका यूथ दोबारा अपनी अपनी जॉब्स में चला जाता है इनटू हाईटेक इंडस्ट्री। जब ये दोबारा जाते हैं तो ये एक एक्सपोजर के साथ जाते हैं, इनको पता होता है सेम जो सॉफ्टवेयर है, सेम जो साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है, ये मिलिट्री में कहाँ पर यूज़ होगा, तो ये उसी नज़र से उन चीज़ों को डेवलप करते हैं, और इससे इनकी हाईटेक इंडस्ट्री और इनका जो मिलिट्री इकोसिस्टम है वो साथ में चलता रहता है। भारत इससे क्या सीख सकता है? सबसे पहले इनोवेशन को स्कूल टाइम पीरियड से डेवलप करना। जैसे अटल इनोवेशन मिशन में अटल टिंकरिंग लैब्स है, शुरुआत से बच्चों को टिंकरिंग करना सिखाते हैं लैब में, तो बच्चों का जो माइंडसेट है, जो हमारा ब्रिटिश सिस्टम था एजुकेशन का रोड लर्निंग, उससे थोड़ा सा दूर हटकर अब टिंकरिंग और इनोवेशन पर ज़्यादा ज़्यादा फोकस करना। इसी के साथ साथ यहाँ पर फंडिंग करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, प्राइवेट फंडिंग को कंट्रीब्यूट करना, उसको इंसेंटिवाइज करना, प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना। आप डिफेंस में यहाँ पर फंडिंग करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, बाद में यही चीज़ें DRDO हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आपसे खरीदेगा, आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। जैसे अब भारत ने अपने डिफेंस वेपन्स बना बनाकर, जैसे आकाश मिसाइल बना बनाकर आर्मेनिया भेज रहे हैं, यूक्रेन वॉर में हमारे वेपन्स पहुंच गए थे इनएडवर्टेंटली। इसी के साथ साथ हम अलग अलग फ्रंटियर्स पे अपने वेपन्स भेजते हैं, वियतनाम को भेजा हमने, ब्रह्मोस भेजा है वियतनाम को, फिलीपींस को। सो ऑल ऑफ दिस इज द एफर्ट टुवर्ड्स बिल्डिंग अ सस्टेनेबल डिफेंस मिलिट्री इकोसिस्टम, जिसमें आप प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर रहे हो। जैसे IDEX एफर्ट है इनोवेशन इन डिफेंस एक्सीलेंस, इसमें क्या हम चैलेंजेस लाते हैं स्टार्टअप्स के लिए, फिर स्टार्टअप्स को बोलते हैं आप डेवलप करो, फिर वही टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट आपसे खरीदेगी, राइट? तो प्राइवेट सेक्टर को कंट्रीब्यूट करवाना, इनोवेशन का, रिस्क टेकिंग का एक कल्चर, हमारा जो सॉफ्टवेयर का रिसोर्स USA में बैठा है सिलिकॉन वैली में, उनको इंसेंटिवाइज करना, आप यहाँ आओ, स्टार्टअप बनाओ, आपको कहीं ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि अपनी खुद की कंपनी बनाने का अलग ही मज़ा होता है। US में आज के टाइम पीरियड में इंडियंस अपनी खुद की कंपनी बनाकर हो सकता है उतने सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर मार्केट है, स्कोप है, सब कुछ है, तो वो प्लेग्राउंड इनको यहाँ पर प्रोवाइड करना। हम बुला रहे हैं कंपनीज को बाहर से ड्रोन्स वोन्स के लिए भी, सो ऑल ऑफ दैट हैज़ टू बी नाउ फर्दर रैम्ड अप। और अलग अलग जो मिशंस हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके साथ साथ ऐसे अटल इनोवेशन मिशन, स्टार्टअप मिशन, इन सबको एक साथ इंटीग्रेट करना, और यहाँ पर डिफेंस की नज़र से भी चीज़ों को डेवलप करवाना,
ये भारत कर सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? लाइक शेयर कमेंट पीपल, थैंक यू।